News 18 India. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। शुरुआत करें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। किसान आंदोलन से जुड़ी हुई बड़ी खबर, चंडीगढ़ में देर रात खत्म हुई केंद्र सरकार और किसानों के बीच चौथे दौर की बैठक, काफी सकारात्मक माहौल में हुई। सरकार की तरफ से किसानों को कुछ प्रस्ताव दिए गए जिसमें कुछ उपज के लिए MSP पर 5 साल की गारंटी दी गई। सरकार की तरफ से मिले हुए सुझावों पर किसान चर्चा कर आज सरकार को अपना जवाब देंगे। साथ ही किसानों की तरफ से भी कुछ सकारात्मक सुझाव सरकार को दिए गए हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे, देखिए कल जो है बैठक हुई जिसके बाद एक सकारात्मक बातचीत निकलकर सामने आई है, जहां पर यह बताया जा रहा है कि किसानों की तरफ से जो है अब ये डिसाइड किया जाएगा कि सरकार की तरफ से जो सुझाव दिए गए हैं आखिर उसको लेकर क्या कुछ आगे किया जाएगा। ये आपको बता भी रहे कब कब जो है बैठक हुई। पहली बैठक 8 फरवरी, दूसरी बैठक 12 फरवरी, तीसरी बैठक 15 फरवरी और चौथी बैठक जो है वो 18 फरवरी को की गई। और साथ ही पहली बैठक की बात करें 2 घंटे से ज्यादा बातचीत हुई, दूसरी बैठक 5 घंटे तक बातचीत, तीसरी बैठक में करीबन 6 घंटे और चौथी बैठक में लग रहा है कि सकारात्मक नतीजे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बहुत ही अच्छे वातावरण में एक सकारात्मक चर्चा, लंबी चर्चा हुई है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदैव भारत के किसानों की चिंता करते हैं। 5 साल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट करके NCCF और NAFED गारंटी करेगा कि अगले 5 साल तक जो भी क्रॉप डाइवर्सिफाई करके ये 4 प्रोडक्ट्स बनाएगा, 4 उत्पादन खेती के करेगा, उसको ये संस्थाएं MSP पर खरीदेगी। कोई क्वांटिटी की लिमिट नहीं होगी। किसान संगठनों ने बताया कि वो यहाँ पर इस पर निर्णय लेने के बदले कल सुबह तक हमें अपना निर्णय बताएंगे। मेरा विश्वास है जिस अच्छे वातावरण में आज की चर्चा हुई है उस वातावरण में दोनों पक्ष सकारात्मक सोच के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। हम अनुरोध करेंगे कि माननीय किसान इसको कॉल ऑफ करें। केंद्र सरकार के साथ किसान संगठनों की 4 घंटे से ज्यादा चंडीगढ़ में मीटिंग हुई, पॉजिटिव माहौल में ये मीटिंग जो है वो बताई जा रही है। अब केंद्र सरकार की तरफ से एक प्रपोजल किसान यूनियन को दिया गया है कि जो दालें हैं, कॉटन है, उस पर भी पूरी MSP जो है वो किसानों को दी जाएगी और पूरी फसल जो है 5 साल तक केंद्र की एजेंसियां उठाएंगी। इस पर फैसले के लिए अब किसानों ने 2 दिन का समय मांगा है। 2 दिन बाद केंद्र के सामने केंद्र का जो प्रपोजल आया है उसके बारे में किसान जानकारी केंद्र से साझी करेंगे। कैमरामैन विनोद के साथ पंकज पहले चंडीगढ़। तो सरकार से मिले प्रस्ताव पर अब किसानों ने 2 दिन में विचार करने के बाद अपना पक्ष रखने की बात कही है। एक सरकार की ओर से हमें MSP को लेकर प्रपोजल आई है और वो जो प्रपोजल आई है उस प्रपोजल में ये बात कही गई है कि दालों, मक्का और कपास, इन सभी फसलों का पूरे देश के अंदर जितना भी उत्पादन होता है ये केंद्र की 2 एजेंसियों के द्वारा इनकी पूरी की पूरी फसल की MSP जो तय की जाएगी उसके ऊपर खरीदी की जाएगी और उन्हीं ही जो एजेंसीज हैं केंद्र की उन्हीं के द्वारा हमारे साथ लिखित में उनका कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाएगा। और जो MSP के ऊपर जो मंत्री महोदय ने आपको बोल के भी प्रस्ताव दिया है तो ये प्रस्ताव ला रहे हैं, ये एक बात ये आई है। तो उसके ऊपर हम लोग अपने फॉर्मों में विचार विमर्श करेंगे और जो माहिर हैं उससे भी राय लेंगे कि जो प्रपोजल आई है
वो देश हित में, किसान मजदूर के हित में, खेती सेक्टर में हित में क्या सही है क्या गलत है उसके ऊपर निर्णय बाद में करेंगे, या तो कल सुबह होगा या शाम को या परसों सुबह, सब बातें हो जाएंगी।